Yes. Hi. Welcome to Noozy Solutions. Thank you. Excuse me, sir. May I come in? Yes, come in. Vanilla? Yes. Anna? Better? आज ही ज्वाइन हुई हो ना? या वन मिनट बिहारी, एक बार अंदर आ जाओ, कुछ काम है। यस सर। आ वेनेला। हाँ देखा सर इनको। आज ही ज्वाइनिंग पता नहीं है सर। मुझे बोलने तो दे, हमारे स्टाफ से परिचय करा दो, इनको इनकी जगह दिखा दो और काम एक्सप्लेन करो। वेनिला, यू गो अहेड। थैंक यू मिस्टर वीपी। वीपी कॉल मी विप्रो। ओके गो गो। ओके ओके। हाय फ्रेंड्स। हाय, कम, शी इज वेनिला। हेलो कार्तिक, राकेश, चंदू, हाय एवरीवन, काव्या, हाय काव्या, प्रिया, चाय पियोगे सर? ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, कोटी। ओके, कोटी? नो 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 मैडम, स्पेशल कॉफी। स्पेशल कॉफी? ओके थैंक यू। आप भी दो सर। थैंक यू थैंक यू। हमारे लिए भी स्पेशल है क्या? आपके लिए भी स्पेशल है और सभी के लिए स्पेशल है, पीजिए। नाइस, थैंक यू। कोटी चाय बहुत अच्छी है। आपकी हंसी तो सुपर है मैडम, एकदम सुपर, सुपर से ऊपर। चंद्रा, चंद्रकला। ओ बाप रे, उसको ऐसे नहीं बुलाएंगे, उसे जरा प्यार से बुलाता हूँ। ऐ मेरे दिल की धड़कन। हाँ? आपने बुलाया? माय डार्लिंग, मेरी प्यारी। क्यों बुलाया? तू मेरी जान है। ऐसा क्या? क्यों पता नहीं है क्या? ऐसा क्या काम किया आपने? बाप रे, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। इसे मेहनत कहते हैं क्या? आपको ना और मारना चाहिए। मेहनत किसे कहते हैं? कुछ भी बकवास करते रहते हैं, छोड़ो दुनिया आदमी। मेहनत तेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं गिर कैसे गया? लगता नाक टूट गई। बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है जीजा जी। आज बाप रे, ओवर एक्टिंग किया तो ऐसा ही होगा। पता है तुम्हें, मैं नरसिम्हा नायडू जी की बेटी। नरसिम्हा नायडू? वो क्यों? मेरे फेंके हुए टुकड़े पर पलते हो और मुझसे गद्दारी? मेरे पैर के नीचे रहते हो और मेरे आदमी वेंकना की बहन के साथ बलात्कार करने की कोशिश की? माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। एक लड़की के साथ अन्याय हुआ, ये देखकर खामोश रहना नरसिम्हा नायडू का कैरेक्टर नहीं है। इसको इस गांव से बाहर फेंक दो, दोबारा इस गांव में दिखाई दिया तो मार डालो। बाप रे। हेलो सुनिए जी, बेटी आपसे बात करना चाहती है। हाँ बोलो बेटा, कैसी हो? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। जॉब भी कल ही ज्वाइन कर लिया। हाँ। और अकेला की वजह से एक अच्छे से घर में रह रही हूँ। क्या बेटी, लड़की होकर ऐसे अकेले में क्यों रहना? हमें किसी चीज की कमी नहीं है, तुमको जॉब करने की जरूरत क्या है? जस्ट फॉर अ चेंज आई वांट टू डू अ जॉब। तुम परमानेंट जॉब करोगी तो भी मैं मना नहीं करूँगा, जस्ट फॉर अ चेंज बोला ना। ओके, वैसे वहाँ तुम्हें किसी और चीज की कमी तो नहीं है ना? सब ठीक है पापा, हमारे ओनर अविनाश जी और उनकी वाइफ चंद्रकला जी सब बहुत अच्छे लोग हैं, यहीं पर हैं। आप बात करेंगे क्या? ठीक है दो। बेटी अभी पिताजी से बात करना जरूरी है क्या? सर नमस्कार सर। क्या है, तुम्हें फोन पर बात करने के लिए इतना टाइम लगता? सर वो, अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। वहाँ मेरी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम हुई तो तेरा बैंड बजा दूंगा मैं, उसको अगर कुछ हुआ तो तुझे काट कर रख दूंगा। समझ में आया कि नहीं? सर 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 सर, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगा सर। बेटी पिताजी से बात। बाप रे, सुनो, उसके पिताजी तो फोन पर मारने काटने की बात कर रहे थे बेटी, खास करके
मेरी बीवी का मंगलसूत्र ध्यान में रखकर बात करना बेटी, समझ गई? हाँ टाटा टाटा बेटी टाटा। इस मुसीबत का कारण तू ही है गधे, तू ही है। ये ले, ये ले, ये ले। इसे क्यों मार रहे हो? इसी ने ये सब किया है। हाँ बोलो। बात ऐसी है। क्या हुआ? तुम बात मत करो। क्यों नहीं बात करूँ मैं? कल जो तुम्हारे साथ था वो बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? कल आईमैक्स में जिसे मेरे साथ देखा था ना, वो बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। फिर कौन है? मेरा कजन है, अब तो मानोगे। अच्छा तुमने क्या सोचा था बताओ? मैंने सोचा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसी समय मेरे पास आना चाहिए था। क्या करता आके? मैं तुम दोनों का इंट्रोडक्शन करवा देती। मुझे नहीं करना। अच्छा मेरी बात सुनो। बोलो। इस सिटी में मेरे बहुत जान पहचान है। अच्छा? हर रोज कोई ना कोई मिल ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम इतनी सी बात को लेकर शक करोगे? ओ, ऐसा है। ठीक है, आज इवनिंग मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ओके ना? ओके। शीनू। बोलो ना। शीनू। बोलो ना। अर्जेंट मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दो ना। करोगे ना? कर दो ना। हाँ, अभी करता हूँ। थैंक्स। कौन है ये शीनू? मेरा नया बॉयफ्रेंड। कल तक संपत था ना, फिर उसके पहले साई, उन दोनों के बारे में क्या था फिर? वो दोनों बहुत बोरिंग थे, इसलिए नए बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही हूँ। ये सब करना गलत नहीं है क्या? एक लड़की को कैसे रहना चाहिए ये तुम नहीं जानती? हे मेरी माँ, शांत हो जा। मेरी क्लास लेने का प्रोग्राम बंद कर दे प्लीज। मुझे मेरी मर्जी से जीने दे। जब तक तुम बदलोगे नहीं ना, तब तक तुम्हें ये कल्चर समझ नहीं आएगा। आप कौन? मेरी वॉइस क्या आपको याद नहीं है? विनिला, क्या बात है, इस समय आपने फोन किया? हमारे प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना था। हाँ? नहीं तो क्या? एक खूबसूरत लड़की ने इतनी रात गए आपको फोन किया है और आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने इसीलिए फोन किया क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। ओह, आपको इनवाइट करने के लिए ही मैंने कॉल किया था। एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। ओके बाय। बाय। भाई हमें बिना बताए कोई तो खिचड़ी पका रहा है मेरे भाई। बोला बोला बोला। हे बर्थडे बेबी। हे बर्थडे पार्टी बहुत अच्छा हुआ था। या तुमने बहुत एंजॉय किया ना? यस। आखिर तुम बहुत ही ऑसम। यू नो व्हाट, आई एंजॉयड अ लॉट टुडे बिकॉज़ ऑफ यू। ओह, क्या हो रहा है? मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है ये? तुम बहुत ओवर कर रही हो, तुमने तो बहुत कम पी थी। अरे नहीं, कॉकटेल की वजह से है ऐसा। अखी, एक चाकू लेकर आओ, इसे जान से मार डालूंगी। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ओ गॉड, सिर फटा जा रहा है मेरा। हे वेट वेट वेट, मैं जाकर बटर मिल्क लेकर आती हूँ। जा। इसको तो मैं बताऊंगा। क्या हुआ इसे? इसके ऊपर कल रात माता आ गई थी। अरे माता जी मुझे छोड़ दो, माता जी मुझे माफ कर दो। अरे चुप करो, चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी सिर फोड़ दूंगी। माता जी, मैंने ऐसे क्या पाप किया है माता जी? अरे पांडू रुको ना, ये पियो। थैंक्स। बाप रे, माता जी थोड़ी शांत हुई है। फर्स्ट टाइम है ना। मेरे लिए कुछ लाई है क्या? हाँ, तेरी मौत। जा यहाँ से। बाप रे, लगता है फिर से माता जी इसे चपा रहे हैं। चलो आज नाइट में पार्टी, फिर से मौत डालूंगी। क्यों नहीं चाहिए क्या? मतलब कॉकटेल के लिए मना कर रही हूँ। इंटिमेसी में और भी नशा देती हूँ। हाय विनी। हेलो। हाय। हाय। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या फायदा, जिसे कहना चाहिए वही कुछ नहीं कह रहा है। एनीवेज, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इट्स ओके। तुम्हें कुछ बताना था। सॉरी बॉस, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। एक बार सोचो ना। चंदू। हम्म? ये आओ। क्या चाहिए? जरा देखो ये क्या कह रहा है।
इसे कहकर कुछ फायदा नहीं। अगर ये सही नहीं लग रहा है तो मेरे साथ एडजस्ट हो जाओ। वैसे देखा जाए तो मैं भी हैंडसम हूँ। क्या है, किसी भी लड़के ने अगर प्रपोज किया तो मेरा आंसर एक ही होगा, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। गलती से भी ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो तुम सबको मेरा सीवियर रिएक्शन झेलना पड़ सकता है। बी केयरफुल, जाके अपना काम करो।